허그팅! 아니, 허그팅! 이 가래가 돼. Okay, so went there.
क्या दिल में व्हाइट टी शर्ट फिशी और क्यों वो स्लीपर पहन रहे थे व्हाई Because they know when Jesus always together with Jesus in the seashore or the Sea of Galilee. और वो इसलिए मछली पकड़ रहे थे वहाँ क्योंकि उनको पता था प्रभु यीशु जो है वो झील के किनारे ही कहीं पर होंगे वहाँ. Why they is a fisher fishing? और क्यों वो मछली पकड़ रहे थे? Night time? रात को? Why? क्यों? Why? क्यों? प्रभु इधर मिलेगा. मिल जाएगा प्रभु. हाँ, they will find Jesus there. Jesus will come there. Yeah, so, but why they is fishing? क्यों वो मछली पकड़ रहे थे? But angel not didn't say is fishing. Just when you Jesus wasn't there. So why fishing? तो सबूत नहीं तो कहाँ नहीं था क्योंकि तुम जाके वो मछली पकड़ना उसमें तो ये कहा था कि प्रभु तुम्हें मिलेगा वहाँ पर और वो लोग क्यों मछली पकड़ रहे थे? Why? क्यों? Because मछली पकड़ रहे थे वो क्यों? Why fisher? क्यों मछली पकड़ रहे थे? Fisher. Why? क्यों मछुआरे मछली पकड़ रहे थे? Preaching gospel, when the sermon, then always, they are disappointed, so go back and something, they just make money. This is mis teaching. बहुत सारे पास्टर लोग जो कोरिया में इस तरह की गलत शिक्षा देते हैं कि प्रभु यीशु मर गए थे, वो थे नहीं वहाँ, इसलिए चले निराश हो गए, हताश हो गए, और वो वापस अपना काम करने चले गए. ये गलत है. Okay, now time is this time. Seven, but you know when we
she immediately to score chill and often. Before opening first shares, now already open first shares? पहली बार खुल चुकी है now step by. How often this one? कैसे खुलेगी वो? Okay, this first chapter, Revelation chapter 5. पांचवां वचन से आठवां वचन पढ़िए. According to chapter 5, verse 8. So Jesus, the lamb, take off the sin. और पांचवें अध्याय के आठ वचन के अनुसार यीशु ने जो मेमना है उसने वो पुस्तक ले ली. When heavenly norm and this world is so many are bright, just we pray to God. और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हम लोग या प्रभु यीशु की जो दुल्हन है जब वो प्रार्थना कर रही है. अकॉर्डिंग टू वर्स 8 दे हैड द गोल्ड बोल फिल्ड विद इंसेंस द प्रेयर ऑफ गॉड पीपल. और इसमें लिखा है कि वो पवित्र लोगों की प्रार्थना है. हालेलुया. विदाउट योर प्रे, बिना आपकी प्रार्थना के, विदाउट योर प्रीचिंग मास्टर, और बिना आपके सुसमाचार सुनाए हुए, जीसस विल नॉट टेक ऑफ द सिन. प्रभु यीशु वो मोर नहीं खोलेंगे. Almost, you understand? When you pray, oh, I want to say, oh, Jesus come soon. तो इसके बाद जब आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं चाहता हूँ तू जल्दी आ. The meaning is okay. Jesus take off the first in, second in, third in, and first trumpet. Yeah. इसके बाद ये होगा कि प्रभु शुभ मोर खोलेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी पूरी पुकी जाएगी. Understand? आप समझे? Almost Jesus take off the seat is just answer of our prayer. और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा जब प्रभु यीशु वो मोर खोलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. And time अंत के दिनों में all of the brighter. Now Jesus now when Jesus waiting our prayer for Maranatha. और अब प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहे हैं कि जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु शुद्ध जल्दी आ. And also Jesus waiting for a comfort for this Matthew chapter 24 verse 2 verse 32 and also verse 14. और साथ ही साथ प्रभु यीशु इंतजार कर रहे हैं मत्ती 24 अध्याय के 32 से 30 वचन का और साथ ही मत्ती 24 के 14वें वचन का. You understand? आप समझ रहे हैं? Why Jesus take off the first sin? और क्यों प्रभु यीशु ने पहली बार खोली? Because of your faith. आपकी प्रार्थनाओं के कारण. Because of your shout Maranatha. और आप चिल्लाए और ये कहा कि प्रभु यीशु जल्दी आ. इस कारण से. Because of your preaching gospel. आपके सुसमाचार सुनाने के कारण. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. तो finally the answer. और आखिर में उत्तर मिलेगा. First sin take off. और पहली मोर खुल जाएगी. And आप जानते हो, sin is a kind of very hardness for very hardened terror.
और जैसे कि आपको पता है ये मोर जो है ये बहुत ही कठिन एक तरह से विपत्ति है एंड द थ्रोट इज आल्सो हार्ड ट्रबल और ये तुरी है ये भी बहुत विपत्ति वाली है बट इन द बाइबल लेकिन बाइबल में ओनली हमेशा प्रोटेक्ट अस हमारी रक्षा की जाएगी इन द पेड सिचुएशंस प्रोटेक्ट बट God protect, protecting us. और चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति होगी, कितना भी कठिन सताव हमारे ऊपर आएगा, उसमें भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे. Why? क्यों? Why? क्यों? Jesus wants to say, lecture you. क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को उठा देना चाहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So this see and trumpet and board. This is it. Just the same time, this three kind is connected together. और ये घुमावत और ये तुरी और ये कटोरे जो है ये एक ही समय में घटेंगे मतलब ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में. And first seal and second seal. पहले seal मोर दूसरी मोर. This is small but continue and large. और ये ऐसा होगा पहले छोटी मोर पहले ही मोर खोली फिर दूसरी तीसरी ऐसे साथ साथ ये होते जाएगा. Yes. So we understand. When Jesus take off the first sin. और जब प्रभु पहली मोहर खोलेंगे, what? What happen? क्या होगा? सीन हो दिया है का. Which color? कौन सा रंग? White. So it means white horse. Because of white color, who is Jesus Christ? तो क्या सफेद रंग पर वो होगा सफेद घोड़े में तो क्या वो प्रभु यीशु होगा? No. So, so if you listen any voice, spiritual voice, so you should follow there. So क्या अगर आप कोई भी आवाज सुनो आत्मिक तो क्या उसके पीछे आपको चल पड़ना चाहिए? No. You should distinguish. आपको पता लगाना चाहिए ये सही है या नहीं है. Sometimes you saw some awesome good thing, good spiritual something. You all. Any kind of speech or something you should accept and follow. So क्या अगर आपको आत्मिक ऐसा अच्छा दर्शन देखो या स्वप्न देखो तो क्या तुरंत उसके पीछे चल पड़ना चाहिए? No. नहीं. Because okay. Satan also became and show you like it. Bright angel. और क्योंकि शैतान भी जो है ज्योतिर्मय दूत की तरह आ सकता है. So I want to tell you, if even though you pray then during the wonderful supernatural some experience. और मैं आपको बता दूं अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में अगर आपने कोई बहुत ही अच्छे आत्मिक अनुभव भी पाए हैं. Hear some voice. और कोई आवाज भी सुनी है. You see some vision or some dream. भी देखा है कोई सपना देखा है. All kind of sin, supernatural is you should be distinguished by this body. So अगर कोई भी सपना दर्शन देखा कोई आवाज सुनी है जरूर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा से इसको नापे तो ले देखे वो सही है या नहीं है. Amen. Amen. And also you should should screen again with your pastor. और साथ ही साथ अपने पादरियों के साथ भी अपने जो पास्टर अगुए या उनके साथ भी उसको देखिएगा नापे तो लेगा मूल्यांकन करेगा उसका. Then maybe see you pay safely, graciously, you are enjoying for supernatural realm. और तब आप बहुत ही अनुग्रह में होके आत्मिक आशीषों का आनंद उठा पाएंगे. Anyway, this one is not original. This one is money. In India and China and in this world, so many imitation. Hey, imitation money. So many imitation money. और ये नकली जैसे हमारे देश में भारत में या चाइना में कई देशों में नकली नोट होते हैं ना? So many ऐसे दिखते हैं. So many imitation money. बहुत सारे जगहों पर नकली नोट होते हैं. Not only this world. और इस संसार में भी. But also supernatural world. और आप इस संसार में भी. Want to calling us, lead us to this way. और आत्मिक तरीके से भी हम लोग जो है जैसे नकली नोट होते हैं वैसे ही आत्मिक भी नकली बातें हो सकती है जो हमें बहका सकती है. We can distinguish first by Bible only discussed. और हमने बाइबल से पहले ही बातचीत कर ली है पता लगा लिया है असली क्या है और नकली क्या है. And the second. और दूसरी बात. Oh, what color? Color? और कौन सा रंग? Red. 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 Oh.
fighting. Oh, yes. Abraham, do it. You took on? Fatigue. And so the same? Or this three more? Black. This color. Okay, what is black? Or color color? Akal. But you understand? आप समझे होगा? Even the pain. और अगर अकाल भी होगा तो भी? Jesus can feed you. परमेश्वर आप इशु जो है आपको खिलाएंगे, आपकी देखभाल करेंगे. Like two fish and five free. जैसे दो मछलियां पांच रुपया. Can feed more than 5,000. से ज़्यादा लोग खा सकते हैं ना? ऐसे. Maybe we last time we started for Elijah. और पिछले बार उन्होंने एलिया के बारे में बात की थी. When Elijah is in pain, nobody food, nobody help him. जो एलिया जब आकाम पर या कोई नहीं था उसकी सहायता कर रहे तब who उसको what bring कौन है क्या Shift-righteous feeling. Now I am telling you, don't worry about the pink pain. God Jesus will handle you like the Elijah. और परमेश ईशु आपकी देखभाल करेंगे जैसे एलिया की देखभाल की. Hallelujah. You will not die, you know, hungry die. और हम भूख से नहीं मरेंगे. Jesus want to you. Bring to capture, lecture. और वो भी सुझे हमें उठा लेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Okay. डरिए ना. बहुत बड़ी बात है. चिंता ना करें इसके बारे में. Wonderful. अद्भुत बात है. Yeah, in the case very bad situation, persecuted, but Jesus, especially protect me. और अगर हालात बने होंगे सताप भी होगा उसमें भी प्रभु हमारी रक्षा करेंगे. बड़ा खुश होऊंगा. चौथा नंबर फोर विच कलर कौन सा कलर. ओके बिफोर नंबर फोर और चार नंबर से पहले बिफोर नंबर फोर नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर चैप्टर सिक्स छठे अध्याय में चले गए फर्स्ट सिक्स छे का छे देखिए. Then in the first six, olive oil and wine. Don't touch olive oil and wine. और दाखरस और तेल को ना छुएं. What does it mean? इसका क्या मतलब है? Why Jesus tells don't touch for olive oil and wine? और क्यों प्रभु यीशु कह रहे हैं ऐसे तेल और दाखरस की हानि ना करें या उसे ना छुएं? What? क्यों? What does it mean? क्या मतलब है? What does it mean? इसका क्या मतलब है? What's the common oil? olive oil and wine. और ये don't touch. ये दाखरस और जैतून तेल क्या है? You understand? आप समझिए. We already started जैतून के दो पेड़ों के बारे में हमने पिछले बार पढ़ाई की थी, याद है? Yeah, two olive tree is very strong leader, very strong pastor. और ये जो जैतून के जो दो पेड़ है एक तरह से दो मजबूत अगुए या दो मजबूत पादरियों के बारे में. Now this olive oil meaning is pastor group. और ये जैतून तेल के मतलब है पादरियों का समूह. Actually it's God handled for pastor group very special. और परमेश्वर जो है पादरियों की
खास तरीके से देखभाल करते हैं because they are all of their life all of their life for offering to God और क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरा जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है even though it's a very difficult situation और बड़ी मुश्किल समयों में भी but there's the pastor group that already want to pitch pastor और पादरी लोग हमेशा सेवा ही करते रहना चाहते हैं प्रचार ही करते रहना चाहते हैं Actually, frankly speaking, when I ordained pastor, before I pastor, I worked for a missionary. Sometimes, early morning, I want to get up, pray, or I want to sleep. Continue. और कभी कभी मैं सुबह उठता था कभी नहीं उठता था सोते रहना चाहता था okay my mind wanted to get up और मेरा दिमाग तो उठना चाहता था but my body continued asking sleep लेकिन मेरा शरीर बोला सोया so sleep तो मैं सुबह नहीं दे रहा था नहीं दे रहा but after doing so for missionary as a pastor और जब मैं पादरी बन गया ordination में गई मतलब change बदल गया change बदल गया after change बदल गया even though my body wants to sleep more और अब मेरा शरीर सोना चाहता है ज़्यादा body tell myself मैं अपने शरीर को तो नहीं you sleep the last 2 o'clock You sleep only 2 hours. Do you think that is? So you need more than 5 hours. You sleep more. My body talking to my body. और मेरा शरीर मुझसे ही बात करता है. My spirit. लेकिन मेरी आत्मा और नो. Now time is intimate time. लेकिन मेरी आत्मा होते नहीं. Immediate to get. उठा. इस समय पासने के लिए. Go to pray. और पासने के. Then okay, so I'm ready. More I'm ready. और तब और मेरा विषय मेरे को आता है. Hallelujah. Hallelujah. So here is olive oil mini is pastor group and ordain group. और यहाँ पर जेनुइन तेल का मतलब है जो अभिषेक पाए हुए या जो ऑर्डेन हुए हुए पादरी हूँ. What does it mean for ordain? और अभिषेक पाए हुए पादरी को क्या होता है? God gives you special authority. परमेश्वर आपको खास अधिकार देते हैं. This is Don't touch first the pastor group. और उस आदरियों को कुछ मत करना. और कुछ मत कर मिशनरी group. और मिशनरी को कुछ मत करना. Don't touch the ordain group. और साथ ही जो अभिषेक. And also so don't touch all of us believer. और तब अभिषेक को कुछ हानि न करना. Hallelujah. Hallelujah. It means God handled very specially like Elijah to you. और इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर खास तरीके से आपकी देखभाल करेंगे जैसे एलिया की. Hallelujah. और क्यों मैं आपको बार बार ये कहता हूँ बार बार दोहरा रहा हूँ डरिएगा मत प्रसाद होइएगा because always you know some hard situation always protect us और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां होंगी हालात मुश्किल वाले भी होंगे पर मैं शुरू वाले रक्षा करेंगे आमीन so when I read chapter 6 and very easy 6 and 6 और बड़ा आसान है जब 6 अध्याय के सोच ले 6 और 6 very special protect me और अरे बहुत खास तरीके से प्रभु मेरी रक्षा करेंगे So now we can very bravely asking Jesus Maranatha. और इसलिए हमारी बहादुरी से प्रभु यीशु से कह सकते हैं हे प्रभु यीशु जल्दी आ
Hallelujah. Hallelujah. And this kind of false sin. Oh, Choti Lord. The false sin. Choti Lord. The color is which color? Kota Rangya? Yellow. Like this color? No. Red body color. yellow and blue. Blue color. Or pila aur nila rang mila ke kya banta hai? Red body color. Okay, sir. Make a color. Okay. No. Pastor Mustard went to somebody died. Or Pastor Mustard ji gaye the kisi ki death ho gayi thi udhar. So pray for all of family. Aur unke parivar ke. And immediately come back here. Aur toh the aage. To dead person. I don't know who. Aur mujhe nahi malum kaun tha udhar. If we keep the okay, so one day, two weeks or continue. और अगर वो मुर्दे को एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन अगर ऐसे ही रखेंगे ना उसकी खाना भी चेंज रहेगी इसका उसकी चमड़ी का रंग जो है वो बदल जाएगा दिस इज डेड पर्सन कार और ये वो रंग था तुम्हारी वाली मोर जब कोली हाउ मेनी पर्सन कितने वो पांच एक टाइप ओके बस ए और आपको अच्छे पढ़िए चेकर नाउ वी आर मोर डिटेल्स चेकिंग दिस वन मैंने कहा कि तीता की वेक दा ना पे एक कूला कोड़ा है अते जेड़ा सुत्ते सवार है ओदा नाम लॉट है अते पताल ओदे मगर मगर चले आंदा है ते ओनु धरती दी चौथाई उत्ते अखटिया दिता गया पे तलवार नाल काल नाल मरी नाल अते धरती दे दरिंदिया नाल दे राही मार सकन आमेन यू शेप हियर्स अ डॉग वेरी स्पेशल कलर यू नो सो blue, yellow color. This color is dead person color. और ये जो आदमी मुर्दे आदमी का जो रंग हो जाता है पीला और नीला मिला के. And follow some, you know, the name, the person, the person name is dead and yeah. और जो इस व्यक्ति का नाम है मृत्यु और नरक. This is get the 25% of authority to kill all those people. और उसको अधिकार दिया गया कि एक चौथाई लोगों को मार दे. How kill? कैसे मारे? Here's just swear. Swear. किसे कैसे मारे? Just verse 8. Swear. तलवार से. Yeah. This is what do you mean? Sword is red color. Red color horse. Or lal घोड़े वाला. It means fighting war. इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़ाई होगी तो तलवार से. And also famine. और साथ में अकाल. Famine is black color. और अकाल तो क्या अकाल से मरेंगे और तलवार से मरेंगे और नो death और मरी से. और death is you know just dead person. खाला और मृत्यु लोग जब मर जाएंगे उनके जो रंग हो जाता है also beast of this world और इस संसार के जो जानवर है वन पशु who is beast कौन है वन पशु इस संसार पृथ्वी के beast right this way वो ऐसे सीन वाले जानवर right this way what is beast here mention मालूम बताएगा वन पशु beast right this way ऐसे वाले दांत वाले ऐसे हाथ What is this? Yeah, what was it? Verse 8. What is verse 8? What is verse 8? He died. He's not this source. Tende. What is Tende? What is Tende? ये टिकिया का सामान होना जी उन्होंने नहीं मानने डांग कोई मिक्स ही आता रहो जी पर टिकिया का सामान इट्स लाइक अ मिक्स मेबी लोकोटस They are saying, I'm not Okay, please keep mind. Or I'll just go down here again. Very important in Bible. For Bible revelation. Bahut ye khas hai. Four secret. Char rahasya. First day, I tell you, told you, you know, very important four secret. और मैंने आपको बता दूँ चार बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य पहला था what is पहला what is star
कार और दूसरा क्या था लेफ्ट स्टैंड और झुकता था व्हाट इज द और तीसरा क्या था यीशु चौथा क्या था व्हाट इज द और तीसरा क्या था तारों का रहस्य क्या है Some special pastors. Yes, pastor. Pastor, dear pastor. Okay, you see, you are not here. आपने नोट्स लिए. First day, I tell you many times. Four secret. One is seven star. और मैंने आपको बताया था पहला चार है पहला था सात तारे. You forgot everything? आप भूल गए सब कुछ? Okay, see Revelation. Chapter one. प्रकाशित वाक्य पहला है. Revelation. We read again. Revelation chapter. Okay, chapter 1, verse 20. This one, which is? Okay, read. Chapter 1, verse 20. ਸਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬਿਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਹਨ ਹਾਂਜੀ When we study Revelation, If you don't know, you forgot the four mystery. अगर आप भूल गए चार रहस्य, four secret, चार रहस्य, very difficult to understand. तो बड़ा मुश्किल होगा समझना. Don't confusion. गड़बड़ी में मत पड़िए. You know, first. पहला. And the color is too kind. You please kind of understand. The star is messenger of church. Who is messenger? और कौन है कलीसिया के संदेश वाहक संदेश देने वाले? You know. This is four kind of very important secret. But the Bible immediately translated. This means. Or Bible, हमें बहुत जल्दी से इसके बारे में बता देती है. Okay, what is star? और पहला सितारे वो क्या है? सात कलीसियाँ दे दूता. हाँ? सात कलीसियाँ दे दूता. हाँ? Yeah, pastors. Yeah, real pastor. Asli padri. Okay, real pastor. Asli sevak. We call real pastor. हम लोग कहते हैं असली सेवक जो सच्चे सेवक हैं. Why? Because pastor also. बढ़िया pastor. This together. और क्योंकि झूठे पादरी भी जो हैं वो. So now the star is the same star is you know hold in the Jesus. Who is your pastor? और जो सात तारे हैं प्रभु यीशु के हाथ में मतलब जो असली सेवक है प्रभु यीशु ने संभाल के रखा Amen. Amen. And left stand. और दीपदान क्या है सच्ची कलीसिया ओके दिस इज हाला और ये है वेश्या व्हाट इज हाला और ये वेश्या क्या है फर्स्ट चर्च नॉट न्यू चर्च
You know, this one is, the lampstand is like all of bride. और ये धूपदान जैसे लगता है कि दुल्हन की तरह है. You are bride. आप दुल्हन हो. But some of us are also more bride together. लेकिन जो वेश्या है वो भी सच संवर कर दुल्हन की तरह दुल्हन के साथ है. बताइए. Very difficult to distinguish. तो पहचानना बड़ा मुश्किल है और दुल्हन कौन है और वेश्या कौन है. Because it looks like exactly the same. और क्योंकि दोनों एक जैसी दिख रही है. Same church. वैसे ये दोनों कलीसिया है. Same church. वैसे ये कलीसिया दोनों. When distinguish? जब अंतर निकाले जाएंगे. When distinguish? और कब अंतर निकाल सकेंगे. When? कब अंतर निकालेंगे उनका. कब पता लगेगा हमको ये असली है ये नकली है. छत्तर से. या छत्तर से. When we distinguish for real church and part church? Now. Mix together. अभी दोनों कलीसिया है ना मिक्स हो गई है. पता नहीं है ये झूठी कौन सी है सच्ची कौन सी है. तो कब पता चलेगा ये सच्ची है और ये झूठी है. शिक्षा के उनकी शिक्षा से पता चल जाएगा ना. कैसे वचन के मुताबिक वचन के मुताबिक कलाम के मुताबिक. So you say through the preaching. Or through the scripture, we will know what is the truth and what is not. Yeah. But actually, our conference, one man for this condition, when? Or pura wala kab dono alag alag ho jayegi wo? Acha, ye puri chuti hai aur ye sachi hai. Kaun se samay mein pata chalega? Rapture ke samay. Yes. When lecture? वो जब हम बादलों में उठा लिए जाएंगे तब. Your chachi or your chachi lecture? वो जो असली चीज़ है. Hallelujah. And even though looks like exactly the same of chachi but part chachi. क्या वो ऐसा ही से लेकिन झूठी कलीसिया वहीं रह जाएगी. I mean, मेरा मतलब. I feel that. So many churches will be many in this earth. और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी कलीसियाएं इस धरती पर रह जाएंगी. Without intimacy with Jesus. और बिना प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ रिश्तों के. Like I said, I've already explained you like it. Jesus is my dream. और जैसे मैंने पिछले कल में आपको बताया यीशु दाखलता है. You have reached. और आप दादियों. No such thing here, principal. असली डाली है लेकिन ये नकली डाली है. Then cannot rupture. तो नकली डाली जो है वो नहीं उठाई जाएगी. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Okay. And finally beast. और वो चौथा वाला वो है पशु. What is beast? और पशु क्या है? False prophet. Yeah. And false prophet. Just false pastor. और झूठे भविष्यवक्ता यह झूठे. But this beast, two kind of beast. और ये दो तरह के जानवर हैं. One is what? First beast what? और पहला जानवर क्या है? Antichrist. मसीह विरोधी. First beast is Antichrist. और पहला जानवर है मसीह विरोधी. Okay. And the second beast? और दूसरा जानवर? Falco. झूठा मनुष्य. Oh. So. तो. You. First is Antichrist, second is prophet. और दो पशु हैं और पहला वाला जो है मसीह विरोधी और दूसरा झूठा मनुष्य होता है. Okay, don't forget this one. और इसको आप भूलिए. You understand? आप समझे? Almost. Even the your church, your pastor, your part church, part pastor, all inside the church, Christianity community, just church in the church. और ये असली पादरी, नकली पादरी, असली कलीसिया, नकली कलीसिया, ये सारे कलीसिया में ही होगा ये सब कुछ. So और ये last में ही पता चलेगा. So we should, if just not watching for Jesus, just you.
Oh, you follow just somebody, then like, okay, you go, big church, oh, no, 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 go to this way. So, agar aap Prabhu Ishu ko nahi dekh rahe hain, logon ko hi dekh ke chal rahe hain, are yaar, ekklesia padi hai, usi ke piche chal rahe hain, to shayad aap galat disha mein bhi ja sakte hain. Even though it's a big, very big church, aur badi badi mandaliyan mein agar ho to, in the very high position of the pastor. Or the bada koi padri ho to bhi, like in America, you know, so a very big church, very famous pastor. Jaise America mein koi bahut bada padri hai, bahut bada church hai. Now he teaching like like Jesus love. Aur abhi aaj kal is tarah ki shiksha deta hai Yeshu pyar hai. Because of the love, so no more hell. Aur isliye Prabhu Yeshu pyar hai, to isliye narak koi hai nahi. Then everyone very happy. Tab log sab bade khush hai. No need to repent. और पछतावा करने की जरूरत ही नहीं. No need to righteousness. और धर्मिता की जरूरत नहीं. No need to physical. और सुसमाचार सुनाने. Oh, just enjoy your life. और अपने जीवन का मजा लो. You are no hell. और नरक तो. You will be entered kingdom of heaven. और आप तो स्वर्ग में प्रवेश कर ही जाओगे. So many people follow him. और बहुत सारे लोग उस चर्च के पीछे जा रहे. When go to church, hear this voice. Very happy. और जब कृष्ण इस तरह का संदेश सुनते हैं लोग बड़े खुश होते हैं. This is dear pastor. क्या ये सच्चे पादरी? No. नहीं. हाँ. झूठे. But even the false pastor, so many people follow him. और अलग क्यों झूठे पादरी हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उनके पीछे जा रहे हैं. Still, this church is so big. और अभी ये चर्च बहुत बड़ी है. You understand? हाँ समझेगा. Okay. So please understand. Hard and clear. और आपको इस बात को समझिएगा. Then, okay, we did chapter 6, verse 8. और छह अध्याय का आठवां वचन हम पढ़ेंगे. What is land? This land of piece of this land? और इस verse 8. आठवां वचन. मैंने कहा कि पिता की देखता हूँ. ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਥਾਈ ਉੱਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇ ਵਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਆ ਹੈ ਵਾਟ ਇਸ ਬੀਸਟ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇ ਵਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਸ ਬੀਸਟ ਕਿਆ ਹੈ ਹਿਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬੀਸਟ ਵਾਟ ਵਾਟ ਕਿਆ ਹੈ ਪਸ਼ੂ और 25% लोग जो है युद्ध के कारण अकाल के कारण मरी के कारण मर जाएंगे. You understand? Yes. Okay. ठीक है. And number 5. और पांच. Okay. Verse 9 to 11. और 9 से लेकर 11 वचन तक. चिट्टा वस्त्र दिता गया वचन होया थोड़ा चिर होर आराम करो जदों तक तुहाडे नां दे दासां ते तुहाडे भरावां दी जिहड़े तुहाडे वांग वड्डे जाण के गिनती पूरी ना हो लवे. Just so many supporters, so many said praying for request to Jesus. How long will you wait more? और यहाँ पर बहुत सारे संत लोग जो शहीद हो चुके हैं शहीद वो प्रभु से पूछ रहे हैं कितना समय तक तू और इंतजार करेगा? This five is very strong, you know, so play, you know, so movement, yeah. और ये फर्स्ट वाला है कि बहुत ही जबरदस्त प्रार्थना का आंदोलन जो है वो होगा. और आफ्टर दिस मूवमेंट इश्यूड बाय दिस शुल्थाफर चर्च इन पंजाब. और मेरी इच्छा है कि सुल्तानपुर में ये पंजाब में इस कलीसिया में ये प्रार्थना का आंदोलन शुरू हो जाए. आमेन. आमेन. It means the prayer is a maranatha. इसका मतलब ये प्रार्थना maranatha मतलब प्रभु यीशु
ਜਲਦੀ ਆ ਹalleluya ਹalleluya You know, Shufration of already, you know, so, in the kingdom of, person of the kingdom of heaven, they are also requesting, how long you will wait more. And you are in the same way. लोग जो है जो शहीद हो चुके लोग जो पहले जा चुके लोग हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसे कह रहे हैं प्रभु से तू कब तक इंतजार करेगा वो स्ट्रांग प्लेस मूवमेंट supernatural and this world और ये बहुत ही अलौकिक संसार में और इस दुनिया में प्रार्थना का आंदोलन हो रहा है ओके यू टू यू मी टू और क्या आप भी इस प्रार्थना में आंदोलन में शामिल है क्या मैं भी शामिल हूं मी टू Okay. Little, what is pray for subject of pray for this world, this earth? और इस संसार में प्रार्थना का विषय क्या है? क्योंकि बहुत सारे खतरा होने की मौत होनी है। प्रार्थना का विषय क्या है इस संसार में? हाँ, Here, Maranatha, supernatural, heavenly realms, how long we और आत्मिक संसार में प्रार्थना इस तरह से की जा रही है प्रभु तू कब तक इंतजार करेगा और इस धरती पर ये प्रभु तू जल्दी आ and six और छठी और this is six, okay, the 12 to 17 भाई के गलाइयां भी ताडे भरावां दी जेडे ताडे वांग वड्डे ना जान गिनती पूरी ना हो लवेगी ए कौन He's asking about your brother. So need some more you know birthday. So we pure nahi hue aise aur se logi zarurat hai Chhatra Singh ji hai Pastor David hai Hallelujah Hallelujah anyone wants to say this brother aur aap bhi shamil hona chahte hain bhai log ji okay Hallelujah ah good but But that's a fast. He's very happy about it. Your wife is very anxious.